हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेलेक्टेबल का यूज करना सीखा था, तो आप हर प्रीवियस वीडियो मिस कर रखा है तो उसे आप जाके देख ले। इस वीडियो में हम लोग जेक्यूरी यूआई का सॉर्टेबल देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सॉर्टेबल ओपन कर रखा है। जैसे आप सॉर्टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के लिस्ट आइटम दिख जाएंगी, आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आप जहाँ पे आपको सॉर्ट करना है, मान लो कि इस तरह से सॉर्ट करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो, या जिस प्लेस पे आप इसे डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो इसके लिए पहले एक सब मेनू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में यहाँ पे मैं ऐड सब मेनू पेज कर लेता हूँ। ऐड सब मेन्यू पेज और पेरेंट स्लग का नाम तो जेक्यूरी यूआई डैश डेमो, और यहाँ पे पेज का टाइटल, और यहाँ पे मेनू का टाइटल, और उसके बाद कैपेबिलिटी मैनेज ऑप्शंस, और उसके बाद मेनू स्लग डेमो सॉर्टेबल कर देता हूँ इसका नाम स्लग का। और यहाँ पे फंक्शन एक क्रिएट कर लेता हूँ, डीए डेमो सॉर्टेबल एफ यू एन सी कॉल कर लेता हूँ इसका नाम। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ उस फंक्शन को, और यहाँ से इसे डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन, और इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं एक सॉर्टेबल नाम से पीएचपी फाइल इंक्लूड के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड करा देता हूँ फ्रेंड्स। तो इंक्लूड इंक्लूड वंस इंक्लूड के अंदर सॉर्टेबल डॉट पी एच पी। अब इसे हम सॉर्टेबल डॉट पी एच पी में यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसके सोर्स कोड, व्यू सोर्स पे क्लिक करके, और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से इसकी सीएसएस भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और इस फंक्शन में स्क्रिप्ट डॉट जेएस में इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे एडमिन पैनल में, तो आप देखो कि यहाँ पे एक सब मेनू क्रिएट हो जाएगा सॉर्टेबल के नेम से। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉर्टेबल नाम से क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एनक्यू नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे सॉर्टेबल आप देख सकते हैं, जेक्यूरी यूआई सॉर्टेबल, इस हैंडल नेम को कॉपी करना है और अपने इंडेक्स डॉट पी एच पी में इसे एन क्यू कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू पी एन क्यू स्क्रिप्ट, और इसमें हैंडल का नेम पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव कर लूंगा और रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो आप इसे शॉर्ट कर सकोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अब शॉर्ट हो रहा है। इस तरह से आप सॉर्टेबल का यूज कर सकते हो। उसके और भी एग्जाम्पल है, मैं एक दो और करके आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ड्रॉप प्लेस होल्डर इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें और कुछ देख लेता हूँ, जो कि डिस्प्ले ग्रिड, ये ग्रिड के जैसा डिस्प्ले कर सकते हो। इसी तरह कनेक्ट लिस्ट, ये करके दिखा देता हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट है तो आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ भी है, सॉर्ट आइटम ऑन लिस्ट इन टू अनदर एंड वाइस वर्सा, इस तरह से आप कर सकते हो, इसको इसमें भी डाल के सॉर्ट कर सकते हो। तो चलो इसी एग्जांपल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम सॉर्टेबल डॉट बी एच पी में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके सी एस एस भी होंगे, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से स्टाइल के साथ, और यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ इस। देखिए फ्रेंड्स,
अब हमें इसके जेस को हमें कॉपी करना है, तो ये सॉर्टेबल आईडी के साथ है, सॉर्टेबल 1 और सॉर्टेबल 2, इस तरह से इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे जेस में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये, अब मैं चाहता हूँ 1 को यहाँ पे सबसे नीचे रखना तो यहाँ पे रख सकता हूँ इसी तरह। सॉरी फ्रेंड, इस तरह से आप कर सकते हो, इंटरचेंज करना चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप सॉर्टेबल का यूज कर सकते हो। इसका अगर यूज करना है तो आप जैसे कोई लिस्ट है उसको आप ऑर्डर सेट करना चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका यूज ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जेक्यूरी यूआई सॉर्टेबल का यूज करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।